हमारे देश की सेना हमारा गर्व है और सरहद पर लाखों सैनिक देश की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अपने घर परिवार को छोड़कर वो देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। फिर भी कुछ घटिया किस्म के लोग देश के वीर जवानों पर सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जब सेना पर किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने ही सवालिया निशान लगा दिया है, जिसके बाद उनको बुरी तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा। फारूक अब्दुल्ला का घटिया बयान। फारूक अब्दुल्ला के बयान से सियासी घमासान। सेना पर ही फारूक अब्दुल्ला ने लगाए आरोप। घुसपैठ को लेकर सेना पर बरसे फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती घुसपैठ को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है, लेकिन गुस्से में वो भाषा की मर्यादा को भूल गए और वो ये भी भूल गए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और किस पर क्या आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि 200 से 300 आतंकियों ने घुसपैठ की है। आखिर ये कैसे आए और कहां से आए? आसमान से तो नहीं चपके, क्या ड्रोन से गिराए गए? सवाल ये है कि ये कैसे आए? कोई तो इसका जिम्मेदार होगा जो बॉर्डर पार करा रहा है इन्हें। उनका कहना है कि वे या तो कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात की सीमा से घुसपैठ कर रहे हैं। आप देखिए कि मर कौन रहा है। हमेशा कर्नल, मेजर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, स्थानीय लोग भी तो शहीद हो रहे हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब तो दूसरा खतरा भी बढ़ गया है, भारत से लगता हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है। नहीं पता कि अब वहां से क्या आएगा। इसको लेकर सवाल पूछने का हक है। बहुत से लोग पूछ नहीं सकते, मगर मैं सवाल कर सकता हूं। मुझे लगता है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, इस पर जांच बैठाई जानी चाहिए। ये देखना होगा कि हमारी क्या कमजोरी है। ऐसी सभी कमियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं हूं और मेरे पास एजेंसियां नहीं हैं कि मैं इन जिम्मेदारों के बारे में बता सकूं। यहां उपराज्यपाल हैं, उन्हें इस बारे में गौर करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सीमाओं पर बहुत बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है, इसके बाद भी आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, हमारी बर्बादी के लिए सब मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आरआर स्वैन ने आपत्ति जताई और पलटवार किया। उन्होंने घाटी की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ग्राम रक्षा दल यानी VDG के रक्षकों को हथियार और रात में देखने में सहायक उपकरणों से लैस किया जाएगा। साथ ही उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा ताकि दुश्मन के लिए मुश्किलें और बढ़ाई जा सके। स्वैन ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के साथ स्वैनबैन में ग्राम रक्षा दल को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानक संचालक प्रतिक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी। स्वैन ने घुसपैठ रोधी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों के तहत पुलिस और BSF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दल के रक्षकों से मुलाकात की है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने की आलोचना। इसी बीच गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है और कहा कि NC प्रमुख की तरफ से लगाए गए आरोप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। DPAP के प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठाया है। ये भारतीय सेना के उन बहादुर सैनिकों के बलिदान पर सवाल उठाने जैसा है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो गए थे, जबकि 2 आतंकी को मार गिराया गया था। लेकिन फिर भी फारूक अब्दुल्ला ने एक बार भी सेना पर सवाल उठाने से पहले नहीं सोचा। बांग्लादेश को लेकर दिया था बयान। बांग्लादेश में जारी सियासी संकट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में चल रहा संघर्ष हर तानाशाह के लिए एक सबक है।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है। छात्रों ने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सेना सहित किसी के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि हर तानाशाह के लिए एक सबक है। एक समय आएगा जब लोग धैर्य खो देंगे, वही हुआ है, हमें सावधान रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में ये भावना थी कि दुनिया में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी जानी चाहिए। शेख हसीना दुनिया भर में मुसलमानों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी नहीं हुई और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अगर वो वहां से नहीं भागती तो उन्हें भी मार डाला जाता। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश के छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनके पार्टी के आवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देते हुए ये आश्वासन दिया है कि पड़ोसी देश पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। बैठक में बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले पर सरकार के साथ खड़े होने का भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी जानकारी दी है कि बांग्लादेश में 20,000 भारतीय थे, इसमें से ज्यादातर छात्र हैं। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करने के बाद उनमें से 8,000 छात्र भारत लौट आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है, वहां स्थिति लगातार बदल रही है और आगे जैसे जैसे बदलाव होगा सरकार इसके बारे में फिर से जानकारी देगी। शेख हसीना के बारे में बताया गया कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए और उन्हें स्वयं ही ये फैसला करना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहती हैं। फारूक अब्दुल्ला पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का बयान पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो विवादित बयान की वजह से जबरदस्त हंगामा करवा चुके हैं। अभी हाल ही में देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दांव कभी नहीं छोड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पीओके वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इस कदम के लिए बल का प्रयोग नहीं करना होगा। इस मुद्दे पर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह दिया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इसी के साथ ही अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हम पर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्य समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की है, दोनों देशों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मुद्दों को सुलझाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। इतना ही नहीं, पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद भी प्रदेश में आतंकवाद जारी है। अपने विवादित बयानों की वजह से जाने जाने वाले पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इस बार सारी हदें पार करते हुए देश की सेना का ही अपमान कर डाला है और इससे एक नया विवाद सामने आ गया है। तो अब ये देखना होगा कि इस घटिया बयान के लिए फारूक अब्दुल्ला माफी मांगेंगे या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।